हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और दोबारा मैं आपका वेलकम करता हूँ आपके ही टेक्निकल चैनल टेक्निकल पॉइंट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Asus Zenfone Max Pro M1 दिसंबर का जो अपडेट आया है, इसमें कंपनी ने हमें क्या क्या दिया है, क्या चीजें अपडेट की गई है, क्या इम्प्रूवमेंट है, और जिन लोगों को अपडेट नहीं मिल रहा है वो अगर चाहते हैं कि उन्हें जल्दी से अपडेट मिल जाए तो वो क्या सेटिंग करें। मोबाइल के अंदर बहुत सारी सेटिंग्स हमें इनबिल्ड दी रहती है लेकिन उसका पता नहीं होने की वजह से हम उसे ऑफ करके रखते हैं और उसका पता नहीं होता, तो इसके लिए हम जल्दी से अपडेट्स जो नहीं ले पाते। तो उसके लिए क्या सेटिंग हमें करनी है कि जल्दी से हम अपडेट को पा ले, ये भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं कि अपडेट में क्या क्या मिला है। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि कुछ खास अपडेट यहां पर नहीं है। एक जितने भी अपडेट्स यहाँ पर दिए गए हैं उसके अंदर से मुझे लगता है कि एक अपडेट जो है वो ज्यादा काम का है और बाकी तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हमें कुछ ना कुछ तो मिलते रहता है अपडेट के अंदर। तो प्रैक्टिकली पांच अराउंड जो है वो पांच अपडेट जो इसके अंदर दिए गए हैं, जिसमें से पहला अपडेट जो है ये हमें नवम्बर का लेटेस्ट सिक्योरिटी गूगल सिक्योरिटी पैच जो है वो दिया हुआ है। सेकंड जो अपडेट यहाँ पर है वो हमारे ज्यादा काम का है, जिसमें जो है वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया है। एक्चुअल में हम जानते हैं कि इससे पहले का जो अपडेट जो नवंबर में आया था इसके अंदर EIS यानी इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का जो फीचर हमें दिया गया था, जिसकी वजह से जो है इमेज क्वालिटी जो है वीडियो क्वालिटी जो है वो काफी हद तक के जो है वो डिस्टर्ब हो गई थी और लो लाइट में और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी थी। इमेज काफी ब्लरी आ रहा था और ब्लरी नहीं, यहाँ पर जो है नॉइस ज्यादा था इसके अंदर, तो ये प्रॉब्लम जो है वो आ रही थी। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर फिलहाल कंपनी ने कहा है कि यहाँ पर इस अपडेट के अंदर जो है ये वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया है। तीसरा जो अपडेट यहाँ पर दिया हुआ है ये वाईफाई हॉटस्पॉट से रिलेटेड है, इसे इम्प्रूव किया गया है। और साथ ही यहाँ पर चौथा जो अपडेट इसके अंदर दिया हुआ है ये है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जस्ट लाइक इंस्टाग्राम वगैरह, इसकी कंपैटिबिलिटी को लेकर ये प्रॉब्लम थे, इश्यूज थे, उसको क्लियर किया गया है। और पांचवा अपडेट जो यहाँ पर कंपनी ने दिया है वह है कुछ बैंड्स, यानी जो नेटवर्क के बैंड्स होते हैं उसको उसकी प्रॉब्लम्स को क्लियर करके कुछ बैंड्स को बढ़ाया गया है। तो ये पांच छोटे छोटे अपडेट्स यहाँ पर कंपनी ने इसमें दिए हैं, कुछ मेजर अपडेट तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक जो है यहाँ पर कैमरा से रिलेटेड एक इश्यू जो था, जो वीडियो क्वालिटी प्रॉपर नहीं आ रही थी, तो उसको क्लियर करने के लिए अपडेट जो है वो खास तौर से दिया गया है। तो अब देखते हैं कि क्या इसके रिजल्ट जो है वो निकल कर आते हैं प्रैक्टिकली। दूसरे यहाँ पर जिन लोगों को अपडेट्स नहीं मिल रहे हैं वो क्या करें, चलिए मोबाइल स्क्रीन पर ही मैं आपको प्रैक्टिकली एक छोटी सी सेटिंग बता देता हूं। अगर आप जल्दी से पाना चाहते हैं इस अपडेट को तो क्या करें, यहां पर अपडेट्स जो होते हैं एक्चुअल में ये बैचेस में मिलते हैं, तो इसे हम तक के आने में काफी वक्त लग जाता है। किसी को जल्दी मिल जाता है और किसी को लेट मिलता है, तो डिपेंड करता है ये आपको कब मिले, ये वक्त कम भी लग सकता है ज्यादा भी लग सकता है। तो सेटिंग हमें क्या कर लेनी है कि जल्दी हम अपडेट को पा ले, चलिए मोबाइल स्क्रीन पर ही मैं आपको बता देता हूं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले कुछ और मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर सबसे पहले हमें मैनुअली किस तरीके से चेक करना है। आमतौर पर ये पता होता है सभी को, इनकेस यहां पर ही आपको पता है तो आप इसको कुछ सेकंड स्किप कर दीजिए। तो चलिए मैनुअली किस तरीके से आपको चेक करना है अपडेट को पहले वो मैं आपको बता देता हूं। तो हमें सेटिंग में आना है, सेटिंग में आने के बाद हमें लास्ट में सिस्टम का एक ऑप्शन होता है वहाँ आना है। उसके बाद यहाँ पर सिस्टम अपडेट पर टैप करना है। जैसे ही हम सिस्टम अपडेट पर टैप करेंगे कुछ सेकंड का प्रोसीजर होगा, इसके लिए आपको नेट ऑन रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप नेट ऑन नहीं रखते हो तो ये डिटेक्ट नहीं होगा, जैसे कि अभी फिलहाल अभी अपडेट जो है वो डिटेक्ट मेरे मोबाइल में तो नहीं हुआ है, हालांकि आप देख सकते हो ऊपर नेट जो है ये ऑन है प्रॉपरली। तो दोस्तों, यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर क्या आपको सेटिंग करनी है कि आप जो है वो इसे आसानी से पा ले, तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आना है सिस्टम ऐप्स के अंदर, यानी ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस में। तो हम ऊपर की तरफ आएंगे, यहाँ पर हम देखेंगे ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस। यहाँ आने के बाद आपको सी ऑल ऐप्स पे टैप करना है। उसके बाद राइट साइड में टॉप पर आप तीन डॉट्स देख सकते हैं, यहाँ पर आपको टैप करना है, शो सिस्टम पर टैप करना है। उसके बाद यहाँ से आपको जो है ये FOTA सर्विसेज जो है इसे फाइंड आउट करना है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसका डेटा जो है वो यहाँ पर हम क्लियर कर लेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर एक प्रोसीजर और है, एक स्टेप और है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम FOTA सर्विसेज जो है इसे ढूंढ लेते हैं और यहाँ पर जैसे हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं तो यहाँ पर इसे हम टैप करेंगे। टैप करने के बाद हमें आना है स्टोरेज में। स्टोरेज में आने के बाद यहां पर इसके डेटा को क्लियर कर लेना है। आप पहले जो है क्लियर कैच कर लीजिए और उसके बाद क्लियर डेटा कर लीजिए, उसके बाद ओके कर देना है। देन इसके बाद आपको मोबाइल को रिस्टार्ट करना है, सिंपल से ये प्रोसीजर है। और एक बात यहाँ पर, इससे पहले रिस्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और आप कर लीजिए, जैसे ही हम अपडेट में आते हैं ऑटो अपडेट के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन हमें मिल जाता है। जैसे कि अगर हम देखेंगे अपडेट करते वक्त जो है जब हम मैनुअली चेक करते हैं तो राइट साइड में टॉप पर जो तीन डॉट्स हमें दिखते हैं
ये क्या होता है एक्चुअल में, यहाँ पर क्या सेटिंग्स है? तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर इसके अंदर ऑटो डाउनलोड सिस्टम अपडेट, ये यहाँ पर जैसे ही हम इसे टैप करेंगे तो यहाँ तीन ऑप्शंस होते हैं, यानी आपको जो अपडेट है आपका ये ऑटोमेटिक डाउनलोड करना है, या तो फिर आपको उसने इंटीमेशन देना चाहिए फिर डाउनलोड करना है। तो एक्चुअल में जैसे कि मैंने यहाँ पर इसे डोंट डाउनलोड द सिस्टम अपडेट पर टैप करके रखा हुआ है, मतलब ये है कि यहाँ पर जब भी कोई अपडेट आएगा तो ये मुझे नोटिफाई तो करेगा, लेकिन डाउनलोड करने करना या नहीं करना ये मेरे हाथ में होगा। अगर मैं उसे अलाउ करूँगा तो ही वो अब डाउनलोड करेगा। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ इसके अंदर ये भी है कि आप इसे ऑटो डाउनलोड कर लीजिए, मीन्स जैसे ऑटो डाउनलोड अगर आप कर लोगे तो मुझे लगता है कि जो डाउनलोड आपका जो अपडेट है वो जल्दी होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा है। ये सेटिंग कर लेने के बाद इसे आप रिस्टार्ट करके एक बार चेक कर लीजिए, इन केस अगर अपडेट का नोटिफिकेशन आता है तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए, या तो फिर कुछ दिन आपको वेट करना होगा और कुछ ही दिनों में आपको अपडेट का नोटिफिकेशन डेफिनेटली मिलेगा, और अपडेट करने कुछ दिन वेट करने के बाद आप इसे अपडेट कर लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद है सारी चीजों जो भी मैंने आपको बताई है आपको अच्छी लगी होगी। इन सारी चीजों से अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपने अब तक के आपके ही टेक्निकल चैनल टेक्निकल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल पर आए तो आपको इसका मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर अपने नॉलेज को बढ़ा पाए। तो दोस्तों जल्द ही मिलेंगे एक नए और बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के गुड बाय एंड टेक केयर।